हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हनुमानगढ़ी में सुल्तान ने झुकाया सर तो हुआ कैसा चमत्कार। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर स्थित हनुमानगढ़ी सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूलमालाओं में सुशोभित रहती है। हनुमानगढ़ी वास्तव में एक गुफा मंदिर है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के पीछे एक कहानी है। कहते हैं कि सुल्तान मंसूर अली लखनऊ और फैजाबाद का प्रशासक था। इस दौर में एक बार सुल्तान का एकमात्र पुत्र बहुत बीमार पड़ा। चिकित्सा सुविधाएं उस दौर में इतनी ज्यादा नहीं थीं। वैद्य और डॉक्टरों ने जब हाथ तक टेक दिए, तब अंतिम विकल्प के रूप में सुल्तान ने थक हार कर अंजनेय के चरणों में अपना माथा रख दिया। उसने हनुमान जी से विनती की कि किसी भी तरह मेरे पुत्र को बचा लें। तभी न जाने कैसे चमत्कार हुआ कि उसका पुत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। उसकी धड़कनें फिर से सामान्य हो गई। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। सुल्तान के लिए तो यह हनुमानगढ़ी के हनुमान जी का ही चमत्कार था। तब सुल्तान ने खुश होकर अपनी आस्था और श्रद्धा को मूर्त रूप दिया। हनुमानगढ़ी और इमली वन के माध्यम से उसने इस जीर्ण शीर्ण मंदिर को विराट रूप देने के लिए 52 बीघा भूमि हनुमानगढ़ी और इमली वन के लिए उपलब्ध कराई। 300 साल पूर्व संत अभयराम दास के सहयोग और निर्देशन में यहाँ पर हनुमान मंदिर का विशाल निर्माण संपन्न हुआ। संत अभयराम दास निर्माणी अखाड़ा के शिष्य थे। वर्तमान हनुमानगढ़ी को अवध के नवाब सुहाउद्दौला ने बनवाया था। इसके पहले वे हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति को टीले पर पेड़ के नीचे लोग पूजते थे। बाबा अभयराम ने नवाब सुजाउद्दौला के शहजादे की जान बचाई थी। जब वैद्य और हकीम ने हाथ टेक दिए थे, तब कहते हैं कि नवाब के मंत्रियों ने अभयराम दास से मन्नत की थी कि वे एक बार आकर नवाब के पुत्र को देख लें। अभयराम ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरणामृत का जल छिड़का था, जिसके चलते उनके पुत्र की जान बच गई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें हमारा ये चैनल।